और दोस्तों वर्ल्ड का 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा स्मार्टफोन अब लॉन्च कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं Realme का मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन था जिसका नाम है Realme XT। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। इस सेंसर से ली गई कुछ फोटो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा ये फोटो कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। ये मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा ये कितनी प्राइस में लॉन्च किया गया है और मैं आपको ये बताऊंगा इसके क्या क्या स्पेक्स भी दिए गए हैं। ज्यादा जानना चाहते हैं एक 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा स्मार्टफोन के बारे में तो मेरे साथ इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे इसकी डिजाइन के बारे में जो कि काफी ज्यादा दिखने को अच्छी है क्योंकि इसमें जो कलर्स दिए गए हैं वो काफी ज्यादा कमाल के दिए गए हैं और इसका जो डिजाइन है वो कैमरे दिए गए वो साइड में चारों के चारों दिए गए तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है इसकी डिजाइन। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी डिस्प्ले के बारे में तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको 6.4 इंच की नॉच डिस्प्ले दी गई है और मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं इसमें आपको सुपर एमुलेट डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा, साथ ही साथ इसमें आपको फेस अनलॉक भी दिया गया है तो डिस्प्ले के मामले में काफी ज्यादा कमाल का है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं ये गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ आता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं इसमें आपको फ्रंट में और बैक में दोनों ही साइड आपको गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। वैसे Realme के जितने भी फोन आते थे उनमें बैक में गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती थी लेकिन इस स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है तो इसका मतलब डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में काफी ज्यादा कमाल का है ये स्मार्टफोन। और दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसर तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 712 चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको चीज और बता दूं इसमें आप पबजी खेल पाएंगे लो सेटिंग में खेल पाएंगे, हाई सेटिंग में नहीं खेल पाएंगे। वैसे हम लोग जो एक्सेप्ट कर रहे थे 730 के आसपास एक्सेप्ट कर रहे थे लेकिन इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 712 चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि विच इज अ क्वाइट प्रोसेसर ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा हमने एक वीडियो बनाई थी टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन की जो कि आपको सेप्टेम्बर के महीने में देखने को मिलेंगे, उसमें मैंने आपको इस Realme XT के बारे में भी बताया था और देखिए फाइनली ये सितंबर के महीने में ही लॉन्च हो रहा है। वैसे हम जो रूमर्स बताते हैं वो क्लियर होती हैं। अगर आप और स्मार्टफोन के बारे में जानना चाहते हैं जो कि सितंबर के महीने में लॉन्च होंगे तो मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, जाकर के एक बार उस वीडियो को देख लें जिससे आपको पता चल जाए कौन से और स्मार्टफोन है जो कि सितंबर के महीने में लॉन्च हो रहे हैं। लेकिन रुको रुको रुको, पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए उसके बाद आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी रैम और रोम के बारे में तो आपको बता दूं इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे 4GB, 64GB, 6GB, 64GB, 8GB, 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। सबसे अच्छी बात यह है इसमें आपको माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा विच इज अ ग्रेट थिंग क्योंकि SD कार्ड का स्लॉट बहुत ही कम स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है और इस वाले में आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट आप बैटरी क्योंकि सुपर एमुलेट डिस्प्ले दी गई तो बैटरी भी लार्ज होनी चाहिए। उसी को देखते हुए Realme वालों ने इसमें आप 4000 mAh की बैटरी भी डाली है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसमें आपको 20 वाट का चार्जर भी देखने को मिलेगा जो कि बॉक्स के साथ ही आएगा। 3.0 का बुक चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा, टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा विच इज अ ग्रेट थिंग क्योंकि टाइप सी पोर्ट जो है बहुत ही कम स्मार्टफोन में देखने को मिलता था Realme वालों के में, अब इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल रहा है, ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है जिसके लिए Realme वालों को मैं तो एक थम्स अप देना चाहूंगा। क्या आप भी देना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को थम्स अप दे दीजिए। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी या प्रोसेसर या रैम इसकी मायने नहीं रखती है, सबसे ज्यादा मायने रखता है इसका कैमरा सेंसर जो 64 मेगापिक्सल के साथ आ रहा है। इसमें आपको बैक में 4 कैमरे दिए गए हैं, 64 मेगापिक्सल वाला दिया गया प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग दिया गया और एक और 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। बैक में आपके 4 कैमरे दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको इसके फ्रंट कैमरे के बारे में बता दूं तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। बैक कैमरे से लिए गए 64 मेगापिक्सल वाले से कुछ फोटो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा
जो कि आप देख पा रहे हैं कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। वैसे मैं आपको चीज और बता दूं, हमने 48 मेगापिक्सल के साथ कंपैरिजन किया था तो ये 64 मेगापिक्सल के जो फोटो है काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो इसका मतलब कैमरा सेंसर काफी ज्यादा अच्छे दिए गए इस स्मार्टफोन में। दोस्तों इतनी सारी चीजें इस स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है, तो मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे इसकी प्राइस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये स्मार्टफोन 16 या 17 हजार रुपए के आसपास आ जाता है तो ये काफी ज्यादा कमाल का फोन है। ये मैं आपको बता दूं, लॉन्च कर दिया गया इंडिया में, आपको देखने को मिलेगा सितंबर के महीने में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले से ही। तो मैं आपको बताऊं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरे के साथ ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है, 16 या 17 हजार रुपए की प्राइस में आता है। तो मैं आपको अगेन कहूंगा ये पूरी मार्केट को हिलाने वाला है। जी फ्रेंड्स, वैसे दोस्तों हमने तो अपनी राय आपको इस वीडियो में बता दी, आप नहीं बताते हैं हम अपनी राय, तो मैं जानना चाहूंगा आपकी राय क्या है इस स्मार्टफोन के बारे में। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज अपनी राय जरूर लिख दिया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग क्या सोचते हैं इन स्मार्टफोन के बारे में। तो जस्ट डू द कमेंट राइट नाउ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको रियलमी X3 जो कि वर्ल्ड का पहला 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा स्मार्टफोन है, उसकी जानकारी आपको मिल गई है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अभी तक बने हुए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करना और पे क्लिक करना, ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलता हूं आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।